ऐसी माँ भगवती के चरणों में नवरात्र के प्रथम दिवस और हिंदू नव वर्ष के प्रथम दिवस पर सनातनीय संस्कृति को जगाने के लिए हमारे बड़े ही प्रिय आसम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, जो कई दिनों से उनका आग्रह था और यूं कहें कि हिंदू शेर, तो उनके आग्रह पर हमारे साथ में हमारे राम सिंह Yeah.
आज हम जो है बागेश्वर धाम की जय, भगवती माँ कामाख्या मैया की जय, भारत माता की जय। आज हम भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा और माँ के आशीर्वाद से असम की यह पावन धरती, जो वैसे हमारा देश मातृत्व प्रधान देश है, जहाँ गाय माता है, गंगा माता है, गायत्री माता है, जहाँ भारत माता है, ऐसे ही असम में भगवती माँ कामाख्या माता है। तो ऐसी माँ भगवती के चरणों में नवरात्र के प्रथम दिवस और हिंदू नव वर्ष के प्रथम दिवस पर सनातनीय संस्कृति को जगाने के लिए हमारे बड़े ही प्रिय असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, जो कई दिनों से उनका आग्रह था और यूं कहें कि हिंदू शेर, तो उनके आग्रह पर हमारे साथ में हमारे राम सेतु की भूमिका निभाने वाले श्री मनीष मिश्रा जी के कहने पर बार बार उन्होंने कहा कि आपको दर्शन करना चाहिए, उनके साथ हम जो है भगवती माँ कामाख्या को दंडवत प्रणाम करने आए। धन्य है असमवासी जो भगवती माँ कामाख्या की छत्र छाया में रहते। अब बात क्या, हमने तो मंगलाशीष आशीर्वाद दिया और साधु बात क्या करता है, हम राजनेता तो है नहीं, तो बस वही आशीर्वाद दिया कि जाओ सब मंगल होवे और आपके असम प्रदेश का उत्थान होवे। उन्होंने समूचे असम की उन्नति के लिए अर्जी लगाई बागेश्वर बालाजी के चरणों में, वो बहुत जल्दी बागेश्वर धाम भी आ रहे हैं, तो बस यही चर्चा हुई। हिंदू शेर कहा आपने, आपको शंका है क्या, आपको संदेह लग रहा है क्या? जो सनातन की बात करे वो हिंदू शेर ही है, और किसी को अगर संदेह है तो प्रमाण पत्र हमसे ले लें। आगे की कहानी कुछ नहीं, सनातन संस्कृति की जागृति का हमारा संकल्प है, ये मरते दम तक नहीं हम छोड़ेंगे। दोबारा आपको असम आने का कोई, हाँ बहुत जल्दी हम यहाँ पर कथा करेंगे। आज हेमंत विश्व शर्मा से यहाँ के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा गुरु जी एक बार आप कथा कीजिए, हम बहुत जल्दी यहाँ पर कथा करेंगे। सर हिंदू राष्ट्र के संपर्क में क्या कहना जी? हिंदू राष्ट्र तो है ही, घोषणा की बाकी है, क्या आप नहीं चाहते हो? हाँ तो होना चाहिए, बस आप चाहे लो जिस दिन उसी दिन हो जाएगा। कुछ बात भी इससे हिमांत जी, इस पर कोई मंगल कामना, बहुत अच्छी मंगल कामना, समूचे राष्ट्र के उत्थान की उन्होंने अर्जी लगाई।